नमस्ते दोस्तों, मैं मिथुन मेहता शो के एपिसोड नंबर 1 में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस रशिया यूक्रेन के वॉर के समय आपने एक शब्द बार बार आपने सुना होगा टेलीविजन के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर, वो है वॉर क्राइम। नाउ वॉर क्राइम होता क्या है? जब भी कोई दो देश लड़ते हैं तो ये एक मिलिट्री एक्शन होता है और मिलिट्री को सिविलियंस को किसी भी तरीके का ना हानि पहुंचानी है, ना नुकसान पहुंचाना है, ना उसे परेशान करना है, ना सताना है, ना उन्हें मारना है। और यदि कोई किसी देश की मिलिट्री ये करती है तो उसे वहां पे वॉर क्राइम कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में आप सोचोगे कि ये वॉर क्राइम का मतलब क्या है, हमारे लिए इससे सीखने वाली बातें क्या है। नाउ मैं समझता हूँ कि एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर कंटिन्यूअसली जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज अ कंप्लीटली वॉर। हम यहाँ पे लड़ ही तो रहे हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट का सीधा प्रिंसिपल है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अब इसको अलग शब्द में कहूँ तो एक अकाउंट, एक व्यक्ति जो एमेच्योर है उससे पैसा मैच्योर व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, एक व्यक्ति जो नॉन प्रोफेशनल है, ईगोइस्टिक ट्रेडिंग करता है, इमोशन से ट्रेड करता है, एमेच्योर ट्रेडर है, उसका जो नुकसान है वो किसी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है, कोई प्रॉफिट से कमा रहा है, प्रोफेशनल है, कोई हाईली एजुकेटेड है, उसके अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफर करना, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब आसान भाषा में कहें, मिलिट्री की भाषा में, तो जब आपका दुश्मन जो है ये तबाह हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, तभी तो आपको जीत हासिल होगी। तो स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में जब भी कोई व्यक्ति नुकसान करेगा तभी तो सामने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रॉफिट कमाएगा। जब तक एक ट्रेड आपका फिनिश नहीं हो जाता, बायर्स के सामने, सेलर्स एंड सेलर्स के सामने बायर, जब ये दोनों किसी एक प्राइस के ऊपर जब एग्री नहीं करते, तब तक ट्रांसफर ऑफ मनी यहाँ पे नहीं हो सकता। और यकीन मानिए, जब ये ट्रांसफर ऑफ मनी होता है, चाहे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो चाहे लॉस मेकिंग ट्रेडर क्यों ना हो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो है आपके फैमिली मेंबर्स। जब आप दुख में होते हैं, जब आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, जब आप यहाँ पे नुकसान करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा उस दिन, अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा खौफ में होगा, तो वो आपकी धर्मपत्नी होगी, आपके माता पिता होंगे, या आपके बच्चे होंगे। एक जो रिटेलर होता है, एक ट्रेडर जो होता है, उसके कुछ कॉमन मिस्टेक क्या है? एक रिटेलर का सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है दैट आई एम समथिंग, आई हैव नॉलेज, आई हैव पावर, आई हैव एजुकेशन, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव ऑल द रिसोर्सेज। हमें एक रिटेलर को ऐसा ही लगता है दैट मैं अपने गुरु से सुपीरियर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, अरे मेरे मेंटर ने मुझे ये सिखाया, अरे मेरा तो ये थॉट आ गया, चलो इसमें मैं कुछ अपना एडिशन करके, कुछ और यू नो इसके अंदर ऐड करके मैं कुछ नया बनाऊंगा, कुछ और बेहतरीन मैं करूंगा। अब आप ये सोचते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मानते हो उसमें भी दिक्कत नहीं है, बट जब तक आपकी उसके एविडेंस ना हो, alright, तब तक ये सोच सिर्फ एक ख्याली पुलाव कहा जाता है। सो ऑलवेज वी मस्ट हैव एविडेंस ऑफ व्हाट वी थिंक, व्हाट वी बिलीव, व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू एग्जीक्यूट। तो एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट के अंदर एविडेंस क्या होता है? आपके पेपर ट्रेडिंग का सक्सेस, आपके पायलट प्रोजेक्ट का सक्सेस, या आपके डेटा का सक्सेस, कहीं किसी एक जगह पे तो आपके पास एविडेंस हो कि जो आप करना चाहते हैं ये सच में रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं, उसके लूप होल्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज पहले बहुत ज्यादा उसका पेपर वर्क करना पड़ता है, एक प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, एक प्रोसेस फ्लो आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर नहीं है तो स्टॉक मार्केट में यकीन मानिए पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। स्टॉक मार्केट में जेन्युइनली अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, वेल्थ क्रिएशन चाहते हो, यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे कमा के घर लेके जाना चाहते हो, तो एक चीज जो है वो आपको करनी पड़ेगी, और टेक दिस एज असाइनमेंट, इसको आज से ही शुरू करें, एंड वो है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, किसी भी मेंटोर को फॉलो करें, आप अपना खुद का कुछ इनोवेशन क्यों ना करें, एक बुक, एक डायरी आप बनाइए जिसको आप नाम देंगे द मिस्टेक बुक, और इस मिस्टेक बुक के अंदर आप रोज आपकी वो सारी मिस्टेक्स लिखिए जिसके कारण आपको नुकसान हुआ है, नुकसान जिस भी रीजन से आप कर रहे हो वो आप लिखिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ये भी लिखो कि अगर आप किसी YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हो, या किसी टेलीग्राम कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हो, या कोई टिप्स एडवाइजरी वाले को फॉलो कर रहे हो, ये भी आपको लिखिए, एक भी छोटी से छोटी बारीक चीज आपको मिस नहीं करना है। लेट्स से अगर आपकी ब्रोकरेज ज्यादा लग रही है तो ये भी लिखिए, अगर आपके टैक्सेस ज्यादा अगर आपको लग रहे हैं तो ये भी लिखिए, हर एक वो चीज आपको लिखनी है जिसके कारण आपका नुकसान हो रहा है, आपका पैसा आपके जेब में से जा रहा है। और अगर आपने ये एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 90 डेज आपने कर लिया, तो यकीन मानिए 90 डेज के बाद जब आप यहाँ पे सेल्फ ऑडिट करोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे, तो आपको एक चीज बहुत ही कॉमन मिलेगी दैट 60-70% ऑफ द मिस्टेक्स आर रिपीटेड। एक ही गलती को अलग अलग स्क्रिप्ट में, अलग अलग फैक्टर में, जैसे मान लीजिए कि भाई अगर मैं 10 YouTube चैनल को फॉलो करता हूँ तो 10 में से 6 YouTube चैनल को फॉलो करने पे मुझे नुकसान हो रहा है, अगर मैं 10 टेलीग्राम चैनल को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो 10 में से 6 टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने पे मुझे नुकसान हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम नई टेलीग्राम चैनल ढूंढते हैं, हम नए YouTube चैनल ढूंढते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज नॉट द टेलीग्राम चैनल, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट ट्विटर अकाउंट, नॉट दैट पर्सन हु इज देयर इन द ट्विटर अकाउंट, और नॉट दैट YouTube मेंटर, द प्रॉब्लम इज ये जो हमारी सर्च है यही गलत है, द रूट इज
बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वो जो चीज जो आपकी जेब में से पैसे लेके जा रहे हो उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने के बजाय सबसे पहले उसको फिनिश कर दीजिए कि भाई मैं आज से मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन के मैं कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जीवन में शुरुआत के समय में टिप्स एडवाइजर के चक्कर में मैं भी फंसा था जब मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं था। तो कुछ समय के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ढूंढने के बजाय अगर इस पे ही ब्रेक लगा दें तो उसका फायदा मुझे ये हुआ कि शुरुआत में तो आई वॉज क्लूजलेस, लेकिन एक लर्निंग का यहाँ पे एक प्रोसेस मेरा सेट हुआ एंड एक लर्निंग का जैसे ही मेरा शुरू हुआ मेरे मुझे अपने लाइफ में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल हुआ। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हो तो एक सीधा प्रिंसिपल है, इट इज अ नो ब्रेनर प्रिंसिपल। अगर आप शॉर्ट ट्रेड करते हो, शॉर्ट ट्रेड में से मान लीजिए कि आपके 50% ट्रेड या 60% ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं या 40% ट्रेड आपके लॉस में जा रहे हैं या वाइस वर्सा, लेट्स से कि 60% ट्रेड आपके लॉस में जा रहे हैं और 40% ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, अब ये 40% की एक्यूरेसी को आप 80% तक कैसे लेके जाएं? उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जो 60% जो आपके लॉस वाले ट्रेड है उसको आधा कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए। जैसे ही लॉस वाले ट्रेड आपके कम हो जाएंगे वैसे ही आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यही चीज आपकी मिस्टेक बुक आपको करने में आपकी मदद करेगी। जो भी आपके रिपीटेड मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी रियल मिस्टेक्स जो कि आप अनइंटेंशनली अनविलिंगली लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में आपका बैड किया है, ये कि आपकी आदत बन चुकी है, उसके लिए जो ये रिपीटेड मिस्टेक्स हैं अगर ये करना आप अगर आपने बंद कर दिया तो आप अपनी एक्यूरेसी को अभी जो है मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको हासिल होगी। सो व्हाट इज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर? मिस्टेक बुक आपको बनानी है, उसका इंटेंशन ये है कि आपको आपकी रिपीटेड मिस्टेक्स आपको पता चले और ये 90 दिनों तक तो अगर आप नहीं करोगे, 90 कंटिन्यूस डेज हर रोज शाम में बैठ के आपको 10-15 मिनट निकालने पड़ेंगे और ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ दोनों ही सिनेरियो में ना खुश होना है ना दुखी होना है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको यहाँ पे खुश और दुखी आपको बना सकता है इसका मतलब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है ना ही आप एक मैच्योर ट्रेडर है। अपने मिस्टेक बुक के जरिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके फॉल्टी मिस्टेक्स क्या है। आप इन्वेस्टिंग में अच्छे हो, आप ट्रेडिंग में अच्छे हो, ये आपको पता चलेगा। नाउ मिस्टेक बुक बनाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस हासिल होगा या नहीं होगा, बिकॉज एक जो रिटेलर होता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ईगो होता है। कई बार हम ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि जो भी मैं लॉस कर रहा हूं उसका रीजन मैं खुद हूं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी काम नहीं कर रही जो मुझे यहाँ पे नुकसान करने के लिए यहाँ पे उकसा रही है। मुझे एक चीज हमेशा से मैं सुनते आया हूँ, पहले भी सुनता था आज भी सुनता हूँ, ये है कि सर ये जो ऑपरेटर है ना मेरा स्टॉप लॉस खा गया और वहीं से मेरा स्टॉक रिवर्स हो गया। देखो किसी भी व्यक्ति को आपके स्टॉप लॉस में इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपका स्टॉप लॉस देख पा रहा है तो वो बेचारा करोड़ों का मालिक होगा, वो आपके 2-5-10 हज़ार में क्यों हाथ पैर मुंह मारेगा? और अगर वो मारता भी है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा करता भी है तो थिंग इज कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज के लिए परेशान होना मुझे लगता है कि ये कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, एक रिटेलर के जीवन में कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, कोई नियम नहीं होते, कोई कायदे नहीं होते, कोई कानून नहीं होते। आप अपने घर पे अपने बच्चों को अपने परिवार के ऊपर ढेरों नियम कायदे कानून थोप देते हैं, लेकिन जब अपनी खुद की बारी आती है तो एक रिटेलर कभी भी नियम और कानून से बंधा हुआ नहीं होता। तो मिस्टेक बुक बनाने के साथ साथ आप अपने जीवन के प्रिंसिपल्स भी बनाइए कि आप क्या नहीं करोगे, क्या करोगे उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल्स आप बनाइए कि आप क्या नहीं करोगे। जब आपके अंदर ये क्लैरिटी आएगी कि भैया आप क्या नहीं करोगे तो क्या करना है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद एक सबसे बड़ा आपके अंदर जो एक रेडिकल शिफ्ट आएगा वो ये है कि आप फाइनेंशियली आपका स्टेटस पुअर हो, रिच हो या मिडिल क्लास हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे। एंड जब आप मेंटली प्रिपेयर हो तो पैसा तो जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास खींचा चला जाएगा। और यही मैं स्टॉक मार्केट के अंदर मैं कहता हूँ कि आप पैसों के पीछे मत भागिए, आप सिस्टम, आप प्रोसेस, आप प्रिंसिपल के पीछे भागिए। अगर सिस्टम सही है, प्रोसेस सही है, अगर आपके प्रिंसिपल सही है तो पैसा जो है गारंटी आपके पास आएगा, पैसा आपका एड्रेस लेके आपके पास आएगा, आपको पैसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मिस्टेक बुक के अनगिनत एडवांटेज हैं जो आपको मेरी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी और शायद आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर भी ये फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आपको ऐसे ही वेल्थ क्रिएशन के और आइडियाज चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वेल्थ लिख के भेज दीजिए। जब भी कोई नया एपिसोड या नई कोई प्रेजेंटेशन या पीडीएफ रेडी होगा ये तुरंत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एंड टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगले सेशन में मिले, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड मनी एंड।